89 नंबर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में का आंसर आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन का जो एग्जाम में दिया था, लिखा है इसमें नोट में कि एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर 2 माना है, जबकि सही उत्तर -2 होता है। तो आपको ऑप्शन में -2 दिया ही नहीं था, +2 दिया था, उसी को उसने सही मान लिया है, तो वो गलत माना गया है। सही क्या होता है जो है बता रहे हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्या होगा कि माइनस सी स्क्वायर को इधर पहले करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस में सी स्क्वायर होगा। आपका 6 पावर चाहिए तो दोनों तरफ क्यूब करना होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो इधर सी स्क्वायर का भी क्यूब करना होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेट मीन्स कहने का मतलब ए क्यूब प्लस इस प्रकार से बी क्यूब और प्लस 3 AB इंटू ए प्लस बी, डेट मीन्स 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3AB इंटू ए प्लस बी, डेट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर सी का पावर 6 हो जाएगा 3 × 6, या इस प्रकार से रहने दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे कर सकते हैं, यहाँ पर ए पे पावर 6 हो जाएगा प्लस बी पे पावर, पावर पावर गुना होता है, ऑलरेडी मालूम रहना चाहिए 3 A² B² और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर सी दिया है, तो यहाँ पर हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं इसके जगह पर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, देख सकते हैं इतना, और ये सी पे पावर 6। तो क्वेश्चन हो गया अब आपका इस प्रकार से, इसमें कुछ नहीं रहा, सी पे पावर 6 हो गया। हमें क्या चाहिए कि यहाँ 2 times चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 times चाहिए। तो यहाँ पर 2 times करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो सी 6 को इधर लाते हैं, इसे इधर लाते हैं, यानी कि ए पे पावर 6 प्लस बी पे पावर 6 और माइनस सी पे पावर 6 बराबर प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 times ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें ये वाला टर्म चाहिए डबल, इसका इसका हमें ये डबल चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, इधर देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म इधर पूरा बटा मारा है, देखिए माइनस 3 A² B² सी स्क्वायर बटा में है, तो इधर बटा में कर देते हैं। तो ए पे पावर 6 प्लस बी पे पावर 6 माइनस सी पे पावर 6 बटा, अगर जो ये वाला आता है तो 3 A² B² C², इधर माइनस सिर्फ है, डेट मीन माइनस 1 है। यहाँ पर 2 चाह रहा है, क्वेश्चन में यहाँ 2 कह रहा है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम, यानी कि 2 से गुना किए हैं इधर, तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो आपका आंसर -2 होगा। लेकिन ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन दिया है 1, 0, 2 और 3, तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो सही उत्तर आपका कितना है, सही उत्तर आपका -2 है, और 2 आपका गलत उत्तर है, -2 आपका सही है। क्वेश्चन